बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सदाकत सियाल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब लोग भी ठीक है। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि कल हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, किचन की सफाई सुथराई की थी, तो काफ़ी सामान जो था ना हमारा छुपा हुआ पड़ा था। तो आज मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को जो हम लोगों ने नया सामान खरीदा है ना किचन के लिए, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो हम लोगों ने रेसिपीज़ अब बनानी है, तो इसलिए हमें ना नया सामान की ज़रूरत थी। तो मैं आज सामान सारा निकाल लिया है, ये देखें इधर सारा ढेर लगा पड़ा है। तो आज प्लान बना है कि आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि किस तरह का सामान हम लोगों ने खरीदा है। क्या ख्याल है मजी? ठीक है, चलें फिर शुरू करें और दिखाएँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इनमें। हाँ जी, तो आप लोग ये डब्बे देख रहे होंगे, ये डब्बा मैंने खाली कर दिया है, ये खाली है, इस पर आपने कोई उम्मीद नहीं रखनी। और ये सामान सारा मैंने निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इसमें है क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को इस डब्बे से दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर आपको दिखा भी देते हैं। ये देख लें आप लोग इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये डिनर प्लेट्स हैं, सूप प्लेट्स हैं, डेजर्ट प्लेट, कप, सॉसर, बाउल हैं, सैलड बाउल, और इसी तरह आप लोग आगे भी देख लें सारी चीज़ें हैं। तो बारी बारी हम लोग निकाल के आपको दिखाएँगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को मैं ना पहचान सकूं, तो आपने खुद ही पहचान लेना, क्योंकि इसलिए मैंने आप लोगों को ना ये सारी चीज़ें जो है ना दिखा दी हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास छोटे बाउल हैं। हाँ जी, क्या लेके आए हो? ये हम लोगों ने ना डिनर सेट लिया था। अच्छा, तो वो उधर आपने देखा भी है पीछे कि हम लोगों ने आजकल बड़ी तैयारियाँ श्यारियाँ स्टार्ट की हुई हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो फुल जोबन के साथ हमने तैयारियाँ शुरू की हुई हैं। वहाँ पर हम लोग सब्जियाँ वगैरह भी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे वो तो मैंने देखा है, वो तो मैं कल देखा है। अच्छा, तो साथ में वो दरमियान में हम लोगों ने एक सेटअप भी बनाया है, तो उसी सिलसिले में ये हम लोगों ने रेसिपीज के लिए ना ये डिनर सेट भी लिया है। तो ठीक है, हमारे व्यूअर्स को भी दिखाओ और हमें भी दिखाओ, बल्कि हम बैठते हैं। चलें जी, बैठते हैं और आपने साथ देना, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पहचानने में गलती हो जाएगी, तो वो आप लोगों ने अंदाजा लगाना है। ये तो मैंने भी कोई नहीं पता, जब कीमत शीमत है तो काफ़ी पैसे भर गया है, मुझे लगता है कि काफ़ी ना हैवी है भी लगता है। काफ़ी खूबसूरत है, चीनी का सेट है। हाँ माशाल्लाह, नहीं प्यारा। तो एक तो लाइट वेट है और ऊपर से चीनी का भी है, ये काफ़ी महंगा सेट होता है। नहीं, बड़ा प्यारा है, और ना ये चीनी वाला सेट है और इसकी वो जो है शेप बड़ी प्यारी है। आप अंदाज़ा लगाएं कितने का होगा? मुझे ये लग रहा है कि तकरीबन 35 से 40 के दरमियान में होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। चलो ये रेट बात बता लेते हैं। लगता है आप लोग पहले खरीदारी करते रहे हो। हाँ। रेट शीट जान के आए हो। शॉपिंग शुरू में एक बंदा करता है, फिर आइडिया तो हो ही जाता है। हाँ, ये चीनी का सेट है और काफ़ी महंगे होते हैं। बाकी एक होता है वो प्लास्टिक का होता है, हार्ड प्लास्टिक, वो सस्ते होते हैं, ये महंगे हैं। तो ये हमारे पास बाउल हैं जी, ये देखें इस तरह से बड़ा ही खूबसूरत ऊपर बॉर्डर पर डिज़ाइन बना हुआ है और लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा है। चार ये हैं और ये चार इसमें सूप के लिए होंगे। हाँ, सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप के लिए भी कर सकते हैं, मतलब। हाँ, ये कटोरियाँ ही हैं, आप समझो कटोरियाँ चीनी। हाँ जी, 8 अदद हैं ये। ये चार इसमें और चार इसमें, और ये बड़े बाउल हैं, बड़े हैं और इसके साथ अंदर छोटे भी हैं। अच्छा, ये पिरचे हैं साथ, पिरचे वो कप भी होंगे फिर साथ में। हाँ जी, कप भी हैं। हाँ, इसे और ये बाउल बड़े बाउल हैं, इसमें आप मतलब सालन डाल सकते हैं, सालन डाल सकते हैं, सूप डाल सकते हैं, सूप डाल सकते हैं और इसमें फ्रूट चाट डाल सकते हैं। ये दो है? हाँ, ये दो है। डिज़ाइन कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये अम्मा जी की पसंद है? अम्मा की पसंद तो माशाल्लाह। और यहाँ पे हाँ, ये एक और है जी, ये सालन के लिए, ये मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये वाला मजे का है। तो वो वाला किस चीज़ का? वो ऐसे बाउल होते हैं, मतलब ना फ्रूट चाट वगैरह, कस्टर्ड वगैरह, इस तरह की चीज़ें डाल। ये सालन के लिए? ये सालन के लिए। वाह वाह वाह, ये बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, चीनी का और टूट ना जाए, इसको ज़रा साफ उतार के बंद करें। हाँ, इस्तेमाल से पहले ही इसकी डामा डोंगी ना बजा दे। अच्छा, और सेम ये भी है, एक जो ये वाला है ना, ये भी ऐसा ही सही है। हाँ, बस एक होगा। हम आप यहाँ दी हेती जू की खेल गया थे, हूँ और ना खोल तो मतलब है भाई ये भान के तो और ना सकते हैं। जब आप इसे भरे उन पता होंगे कितने की चीज की आ रही है। आई जा तरतीब ला नहीं है ना। ये ट्रे है, ट्रे होंगे ना? हाँ जी, ट्रे है बिल्कुल, डिश ट्रे भी, और ये मेटल में है सारी ना, ये सारी मेटल में है। डिजाइन भले हुए हैं,
हाँ ये वाली जो किनारी है ना, ये जो ये साइडों पे ये बनाया हुआ डिजाइन है, ये सभी बर्तनों के बना हुआ सेम ही है। लेकिन ये मेटल में लगता है जैसे कोई मुगलिया बादशाहों के पास ऐसे स्टील है प्योर। ये देखिए जबरदस्त, ये बड़े वाला है डिजाइन सेम ही है। इसमें कप है जी, ये देखो माशाल्लाह बहुत प्यारा कप है, बड़ा बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है। ये भी कप है, 8 कप हैं। हाँ ये भी कप है। सेट तो वैसे 6 कप का नहीं होता, ये 8 वाला है। ये 8 वाला, उनको पता है ना फैमिली बड़ी होनी है। अच्छा ये प्लेटें हैं सारी, ये भी सेम डिजाइन है वैसा ही। एक सेकंड निकाल, ये इतना साइज है ना, इसमें कितनी 8 होंगी, 4 5 6 7 हाँ इसमें 8 प्लेटें। ये सालन के लिए इस्तेमाल होती हैं? हाँ सालन। तो यहाँ पे ये भी हैं, ये छोटे वाली हैं, वो जरा थोड़ी सी बड़ी हैं। हाँ जी, इसमें बच्चे खा लेंगे, उसमें हम लोग खा लेंगे। बड़े हाँ ऑमलेट के लिए बच्चे पहले आ गए, शादी हुई नहीं, बच्चे पहले आ गए। मैंने नाम भी रख लिए हैं। हाँ बांध रहे थे। ये भी डिशेज हैं छोटी ना, चावलों वगैरह के लिए, चावल वगैरह डाल के ना इसमें हम सर्व कर सकते हैं। ये भी खूबसूरत है, मतलब डिज़ाइन तो सारा एक जैसा ही है, काफ़ी बर्तन है इसमें, सेट काफ़ी बड़ा है। इसी तरह यहाँ पे है जी, ये बड़ी प्लेटें हैं चावलों के लिए, ये देखो ज़बरदस्त है। नहीं नहीं खड़कता है ये, पकड़ो। चीनी के बर्तन खूबसूरत होते हैं, लाइट वेट भी हैं। यहाँ पे अच्छा ये देखें, ये क्या चीज़ें हैं, ये डोलियाँ सी हैं। ये सूप के लिए है, ये आप लोगों ने बताना है ये वाला ना। अच्छा 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 हाँ आगे से, इसमें हम चीनी डाल सकते हैं ऐसे ना, ऐसे ही है। हाँ इसमें चीनी हो जाएगी, इसमें हम दूध डाल सकते हैं चाय के लिए। इतनी नहीं, में इतनी ओपन चीज़ तो नहीं रख सकते। चलो ये हमारे जो प्यार व्यूअर देखने वाले ना वो बताएंगे कि ये किस लिए, ये इसका तो हमें आइडिया हो गया, अगर गलत है तो फिर सही बता देना। लेकिन ये चीनी के लिए और ये वाला ना पता नहीं अब किस चीज़ के लिए। हाँ ये इधर देख लेते हैं, ये लास्ट डब्बा भाई आपका, इसमें कोई बड़ी चीज़ नज़र आ रही है। चाना ये है चाय के लिए, ये चाय के लिए, इसका ढक्कन ये होगा। हाँ इसका ये होगा। हाँ। इसका क्या होगा, ये बाउल है, ये ऐसे ही है नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी ढक्कन है आता पूरा, इसके भी ऊपर इसमें ढक्कन है, है। ओए अच्छा वाला वो मीनारे पाकिस्तान बना हुआ है ये इसका जी। अच्छा इसमें ऐसे डालते हैं, नहीं नहीं ये ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा ये ऐसी चीज़ वैसे होती काम इस्तेमाल है, लेकिन ये होती कि खूबसूरत पीस है, वैसे भी डेकोरेशन के तौर पर भी आप रख लेना ऐसे तो मज़े का। नहीं लोग यूज़ भी करते हैं, मैंने काफ़ी ये टीवी में तो मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को यूज़ करते हुए। मेरे ख्याल में अगर हम यूज़ करना शुरू करें ना इसको तो एक दो दिन ही चलेगा, उसके बाद ख़त्म है। ये हम मैं यूज करूंगा वैसे होता है ये ना कभी कभी फंक्शन वगैरह में, या फिर ये मेहमान वगैरह जब आते हैं तो उनके लिए अच्छे बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। आपके चंगे मेहमान आ गए था। हाँ समझ तो रहे हैं कि कौन से मेहमान। ठीक है फिर आप लोग दिखाएं, मैं चलता हूँ तो। ठीक है अल्लाह हाफिज। चलो भाई पैक करवाओ, बस ही जैसे निकाले हैं ना, अम्मा से बोलो आप पैक करवाए। मेरा नंबर सर में दर्द हो रहा है बड़ा ना। अच्छा मैं आपने वैक्सीन लगवाई, मुझे याद नहीं रहा वैक्सीन का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वैक्सीन का आया तो भैया का ना सुफरा सुफरा के में है। सुफरा मतलब सर चकरा गया था। अच्छा लेकिन से खत्म नहीं होया। अच्छा जी इस समय मालूम होया कि वैक्सीन लग। हां जी कौन है स्टेटरा लगी, कौन सी है? साइनोविक के क्या नाम है? साइनोविक जो है ना वो वाली लगवाई है। चलें जी एक
डोज हो गया मजे की, तो अल्लाह खैर करे दूसरी भी फिर 25 दिन बाद लग जानी है। फाइनली आज छत जो है कंप्लीट हो रही है। ये आप लोग देख सकते हैं कि सीमेंट जो है वो मिक्स करके ऊपर डाल दिया गया है और वो बोरी के साथ ना ऊपर जो है ना इसको फैलाया जा रहा है, तो प्लेन भी हो रहा है और साथ में फैल भी रहा है। ये देखें, ये सारी छत के ऊपर ईंटें भी लग गई हैं। शाम का वक्त तकरीबन हो चुका है, लेकिन आज ये थोड़ा सा काम रहता है ना, तो इसलिए आज शायद ये लेट जाएंगे, क्योंकि आज ये काम जो है ना फाइनल करके छत का जाना चाहते हैं। सीमेंट को ना बहुत ही पतला करके डाला है और इसमें जो दराड़ें बनी हुई है ना, ये वाला गैप्स जो हैं, इनमें सीमेंट चला जाएगा और ये अच्छी तरह जो है ना फिक्स हो जाएगा। और ऊपर से जो बोरी ऊपर घसीटी है तो उसके साथ बिल्कुल जो है ना प्लेन हो गया। ये जी हमेशा की तरह, जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाम के वक्त यहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं और अपने गीत गाती हैं, अल्लाह की इबादत करती हैं। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।